नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो जैसा कि थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर क्लॉग। इसका वीडियो जो है तीन है, दो प्लेलिस्ट में बना करके दिया हुआ है। तो सभी को ये पता ही है कि फरवरी में NTPC का और ग्रुप डी का, साथ ही साथ ही दोनों का एग्जाम होने जा रहा है। उसी के दरमियान हमने ये जो मैथ भी और रीजनिंग भी दोनों का सीरीज चालू किया है। थोड़ा थोड़ा वीडियो भी दे रहे हैं, प्लेलिस्ट में बना होगा, आप वहाँ से सहायता ले सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे दर्पण प्रतिबिंब समय कैसे निकलेगा। कोई भी रियल टाइम को दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा, जिसका लेकर के आए बहुत ही धमाकेदार ट्रिक, देसी जुगाड़ ट्रिक। तो चलिए सीखते हैं। तो करना क्या है, कोई भी टाइम जो दिया रहेगा उसको 12 घंटा में से हमको घटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 12 घंटा में से घटाना होगा। लेकिन क्या है कि एक घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट इसको हम दे देंगे तो हो गया 60 मिनट। और यहाँ कितना बच गया, तो बोलेंगे आप 11। तो जितना भी टाइम रहेगा आपको 11:60 में से ही घटाना होगा। दूसरा बात, अगर कहीं पर 12 आपको मिल जाए तो 12 को 0 मानना होगा, और 0 कहीं मिल जाए तो आपको 12 मानना होगा। ये दोनों बात ध्यान में रखेंगे, किसी भी टाइम को 11:60 से घटाना होगा, और अगर कहीं 12 मिल जाए तो उसको 0 मान लेंगे, और कहीं 0 रहेगा तो उसको 12 मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो मान लेते हैं कि रियल टाइम जो है 7:20, ये AM रहे चाहे PM रहे, इसके लिए कोई घबराना नहीं है। 7:20 में कितना टाइम होगा, तो ये हटा देते हैं, हमको इसको बनाना है दर्पण प्रतिबिंब, मतलब यहाँ बीच में दर्पण रख दिए हैं, तो दर्पण में इसको देखेंगे तो कितना टाइम देगा। इसके लिए क्या ट्रिक है, 11:60 से घटाना है, तो 11:60 से घटा देना है। तो 7:20 को घटा दीजिए आप, 0, 4, 11, 7 बचेगा ये 4:40, बिल्कुल ही सही जवाब। और भी देख लेते हैं, 8:35, कितना बनेगा ये दर्पण में, तो दर्पण में क्या होगा, आप इसको फिर घटा ले कितना में, तो 11:60 में, तो यहाँ से कितना जाएगा, 10 में से 5 गया था 5, 5 में से 3 गया था 2, और 11 में से 8 गया तो 3, तो 3:25, बिल्कुल ही सही सही है। और भी देख लेते हैं, 7:18, बीच में दर्पण लगा दीजिए आप, और दर्पण में कितना बनेगा, तो अभी चल रहा है जादू 11:60 से, तो घटाइए 10 में से 8 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ कितना हो गया, 11 में 7 गया तो 4, 4:42 पर बिल्कुल ही सही सही सब बन रहा है। और भी देख लेते हैं, 12:20, यहाँ पर कितना बनेगा ये दर्पण में, तो करना क्या है, यहाँ पर बोले हैं कि जहाँ भी 12 आपको दिखेगा आपको वहाँ पर 0 मानना होगा। तो चलिए बनाते हैं 11:60, ये कितना हो गया 20, अब 12 को 0 मानना है तो यहाँ 0 रखेंगे, घटा लेंगे तो 0, 0, 0, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ हो गया आपका 11, तो हो गया 11:40 में, बिल्कुल ही सही है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पर 7:50 पर दर्पण में कितना बनेगा ये, तो ये हो गया आपका 7:50, यहाँ कितना हो गया 11:60, तक घटा लें तो 0, 0, 6 में से 5 गया 1, 11 में 7 गया 4, तो 4:10 हो गया, बिल्कुल ही सही। आप कह रहे होंगे कि सर जो है बहुत ही आसान आसान सीधा सीधा बना रहे हैं, चलिए एक पूर्णांक वाला भी बना लेते हैं, बहुत ही वो भी जबरदस्त है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, करना कुछ नहीं है, बस 11:60 से घटाना है। चलिए और भी है, जो आपका पूर्णांक में रहे बटा में रहे उसको कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए करना कुछ नहीं, बस यहाँ जो 11:60 है, 11:60 से आप जो घटा रहे हैं ये आपको यहाँ एक कम कर देना होगा, घटाना कितना में होगा 11:59 में, जैसे 7:30, 1/4 इतना का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे बनेगा ये, तो घटाना यहाँ से, तो पहले क्या कर देना है, यहाँ पर ये जो एक कम हुआ है
वही एक को एक बटा चार में आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक बटा चार के माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से 11/59 हुआ, 11/59 ये बचिए कितना 7/30। तो 7/30 यहाँ लाइए, यहाँ हो गया 9, 5 में से 3 गया 2, 11 में 7 गया 4। तो ये हो गया कितना आपका 4/29, आई जो बचा हुआ है 3/4, ये हो गया आपका बिल्कुल ही सही सही। और भी देख लेते हैं, 8:40 5/6, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं करना है आपको, पहले एक कम करके इसको हटा देना है, 5/6 को घटा लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 1/6। अब 11 है 59 है, इसको पूरा लाइए 8/40 को, 8/40 9, 5 में 4 गया 1, 11 में 6 गया 3, ये हो गया कितना 3/19, ये जो बच गया है 1/6। तो ये हुआ आप दर्पण प्रतिबिंब, चाहे जैसा भी रहे आपको 11/60 से घटाना है, और जहां पर 12 मिलेगा वहां पर 0 रखना है, बटा में अगर आ जाए तो बटा के लिए क्या करना है 11/59 से घटाना है, और एक जो है एक में घटा लेना है, जो बटा में दिल रहेगा वो वाला घटा करके किनारे कर देना है। यहाँ भी बटा में था, इसके लिए भी एक में से घटा के किनारे कर दिए हैं, बाकी सब प्रोसेस वही है। तो आज हमने सीखा है रीजनिंग का, क्लॉक का दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, जो वीडियो नंबर शायद ही 3 होगा। अगला चौथा वीडियो में पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, उसके लिए लाएंगे देसी जुगाड़ ट्रिक धासु। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें।